Let's improve English. जो भी बात उसके दिमाग में आती है वो बिना सोचे समझे बक देता है, बस कुछ सोचता ही नहीं है। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे आपके सामने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कुछ फ्रेजेस और idioms, इसी तरह के कुछ sentences को आपके सामने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको काफी तरह की चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू कुछ फ्रेजेस, idioms, वोकैबुलरी सिखाऊंगा। आप अपनी इंग्लिश को डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई अश्योर यू दैट यू आर नॉट गोना रिग्रेट वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। जो भी बात उसके दिमाग में आती है वो बिना सोचे समझे बक देता है। इस तरह के सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि सेंटेंस के अंदर मेन सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट यानी किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि सेंटेंस हम शुरू कहाँ से करेंगे, ही से शुरू करेंगे। हमने बोला ही, वो बिना सोचे समझे बक देता है। अब मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, बक देता है, वो बक देता है। कुछ बिना सोचे समझे बक देना, बोल देना, इंग्लिश में हम कहते हैं ही ब्लर्ट्स आउट। ही ब्लर्ट्स आउट, किसी चीज को ब्लर्ट आउट कर देना मतलब बिना सोचे समझे बोल देना, ऐसे ही बोल देना, ऐ वही बिना सोचे समझे। ही ब्लर्ट्स आउट। ब्लर्ट में एस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही ब्लर्ट्स आउट, अब हमें बताना है कि वो क्या ब्लर्ट आउट कर देता है। जो भी बात उसके दिमाग में आती है, जो भी बात यानी कुछ भी, जो कुछ भी आता है ना, जो कुछ भी, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाटएवर उसके दिमाग में आती है, यानी जो भी बात उसके दिमाग में आती है, जो भी वो सोचता है, जो भी बात दिमाग में आती है, इसे बोल सकते हैं व्हाटएवर क्रॉसेस हिज माइंड। जो भी चीज उसके माइंड को क्रॉस करती है, यानी जो भी चीज उसके दिमाग में आती है। इसकी जगह पे आप ऐसे भी कह सकते हैं व्हाटएवर कम्स टू हिज माइंड, जो भी बात उसके दिमाग में आती है, वॉट एवर कम्स टू हिज माइंड। और यहां पर ये सेंटेंस हो गया हमारा कंप्लीट। ही ब्लर्ट्स आउट वॉट एवर क्रॉसेस हिज माइंड, जो भी बात उसके दिमाग में आती है वो उसे ब्लर्ट आउट कर देता है, जो भी बात उसके दिमाग में आती है वो बिना सोचे समझे उसे बक देता है। अपना दिल खोल कर उससे सारी बात करो, वो हमेशा तुम्हारा ही साथ देगा। इसे हम कैसे कह सकते हैं, दिल खोल कर अपनी बात करना। एक idiom होता है इंग्लिश में, पोर योर हार्ट आउट। अपने दिल खोल कर बात करो, अपना दिल खोल कर बात करो, किसको, उससे बात करो, टू हिम। पोर योर हार्ट आउट टू हिम, यहां तक हमने बोला वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। सब्जेक्ट है वो, तो हम कहेंगे ही तुम्हारा साथ देगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में कुछ होगा, ही विल। हमेशा, हमेशा के लिए ऑलवेज, ऑलवेज। साथ देने को क्या बोलते हैं, सपोर्ट करना, या फिर स्टैंड बाय, स्टैंड बाय करना। ही विल ऑलवेज सपोर्ट यू, ही विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ही विल ऑलवेज बी ऑन योर साइड, वो हमेशा तुम्हारी ही साइड पर खड़ा रहेगा, तुम्हें ही सपोर्ट करेगा। ही विल ऑलवेज सपोर्ट यू, स्टैंड बाय यू, और ही विल ऑलवेज बी ऑन योर साइड। पोर योर हार्ट आउट टू हिम, अपना दिल खोल कर उससे सारी बात करो। टॉक टू हिम अबाउट एवरीथिंग, पोर योर हार्ट आउट टू हिम। चिंता किस बात की है, अपनी गोली टाइम पर लेना, आप दो दिन में फिर से भले चंगे हो जाओगे। When someone is sick, someone is ill, जब हम कहते हैं भले चंगे हो जाओगे, चलने फिरने लग जाओगे, इंग्लिश में सेंटेंस को कैसे कहेंगे, चिंता किस बात की है, किस बात की चिंता है, हम बोलेंगे What is there to worry about, चिंता किस बात की है, What is there to worry about। जैसे कि अगर हमें कहना हो हंसने की क्या बात है, What is there to laugh at, हंसने की क्या बात है। तो यहाँ पर क्योंकि लाव के साथ हम प्रेपोजिशन एट लगाते हैं, उसके बाद कोई एट का ऑब्जेक्ट आता है, वैसे ही वरी के साथ हम प्रेपोजिशन अबाउट लगाते हैं और अबाउट के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे वरी के साथ अबाउट आ गया, यहाँ पे लाव के साथ एट आ गया। वैसे ही जैसे कहना हो डरने की क्या बात है, यानी ऐसा क्या है जिसके लिए मैं डरना पड़े, वॉट इज देयर टू बी स्केर्ड ऑफ, वॉट इज देयर टू बी स्केर्ड ऑफ। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्केर्ड के साथ हम प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं, तो यहाँ पे ऑफ आ गया। What is there to be scared of? So let's come back to the point. यहाँ तक हमारा sentence हो गया। उसके बाद अपनी गोली time पर लेना, दरवाजा बंद कर देना, close the door, दरवाजा खोल देना, open the door, वो आप से शुरुआत करते हैं। Time पर लेना अपनी गोली, take your tablets, अपनी गोली tablets on time, take your tablets on time, आप दो दिन में फिर से भले चंगे हो जाओगे। You will be up and about in
इन टू डेज यू विल बी अप एंड अबाउट, अप एंड अबाउट, ये idiom है यहाँ पर। अगर हम कहते हैं समवन इज अप एंड अबाउट, मतलब कि किसी इलनेस, किसी बीमारी के बाद वो फिर से भला चंगा हो गया है, चलने फिरने लग गया है। ही इज अप एंड अबाउट अगेन। यू विल बी अप एंड अबाउट इन टू डेज, टेक योर टेबलेट्स ऑन टाइम, व्हाट इज देयर टू वरी अबाउट। जैसा रोज होता है वैसा ही था, कुछ खास नहीं हुआ। जैसे किसी ने आपसे पूछा आपका दिन आज कैसा था, क्या क्या हुआ, तब आपने जवाब दिया जैसा रोज होता है वैसा ही था। जब आपको कहना हो जैसा रोज होता है वैसा ही था, आपको सिर्फ इतना कहने की जरूरत है एज यूजुअल, एज यूजुअल, जैसा हमेशा होता है वैसा ही था। कुछ खास नहीं हुआ, कुछ खास नहीं, नथिंग नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हैपेंड, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी का मतलब ऐसी चीज जो अनयूजुअल है, जो अक्सर नहीं होती है, वो चीज उसको हम क्या कहेंगे कि वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है। सो नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हैपेंड, यानी कुछ भी अजीब नहीं हुआ, कुछ खास नहीं हुआ, कुछ खास नहीं, एज यूजुअल। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही है तो, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। तुम्हारा अभी बुरा टाइम चल रहा है, पर जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। जब किसी को कहना होता है कि उसका बुरा टाइम चल रहा है, कुछ हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि अभी कुछ हो रहा है, यू आर, क्योंकि आपकी बात करें, तुम्हारी बात करें, तुम्हारा अभी, यू आर, बुरा टाइम चल रहा है। इसके लिए यहां पर हम एक idiom का यूज कर सकते हैं, गोइंग थ्रू अ रफ पैच। अभी, अभी के लिए आप बोल सकते हैं राइट नाउ, या फिर दीज डेज, आजकल, आजकल आपका बुरा टाइम चल रहा है। यू आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच, गोइंग थ्रू अ रफ पैच, इसका मतलब होता है कोई बुरा टाइम चल रहा है, कोई खराब टाइम चल रहा है, किस्मत खराब चल रही है, सब कुछ बुरा हो रहा है। यू आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच राइट नाउ और दीज डेज, एट द मोमेंट, यानी फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग, पर जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ, एवरीथिंग, कुछ हो जाएगा फ्यूचर टेंस है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, जल्दी ही, सून इनफ, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सून इनफ। यू आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच राइट नाउ और दीज डेज, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सून इनफ। इस बात में तो दो राय है ही नहीं कि हरी सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इस बात में दो राय है ही नहीं, मतलब कि ये बात तो साफ है, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। हम इसके लिए कह सकते हैं इट गोज विदाउट सेइंग। ये एक्सप्रेशन काफी यूज होता है, इट गोज विदाउट सेइंग। अब यहाँ पर आप दैट लगा सकते हैं, इट गोज विदाउट सेइंग दैट, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स सेहत के लिए अच्छी होती हैं, आर गुड फॉर हेल्थ। इट गोज विदाउट सेइंग, इट गोज विदाउट सेइंग, और फिर दैट लगा के आप कोई भी बात कह सकते हैं कि ये बात तो साफ है, इस बात में तो दो राय है ही नहीं, इस बात में कोई शक नहीं है, ये बात साफ है, ये स्पष्ट है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट समथिंग समथिंग, इट गोज विदाउट सेइंग दैट ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ। तुम्हारे पेपर सिर्फ एक महीना दूर है, जाओ और किताबों में जुट जाओ, इंतजार किस चीज का कर रहे हो, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तुम्हारे पेपर, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पेपर, योर एग्जाम्स, एग्जाम्स के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आर, योर एग्जाम्स आर। एक महीना दूर, दूर को कहते हैं अवे, एक महीना, वन मंथ, वन मंथ अवे, योर एग्जाम्स आर वन मंथ अवे। सिर्फ भी अगर हमें लगाना है तो वन से पहले आप ओनली लगा दीजिए, ओनली, योर एग्जाम्स आर ओनली वन मंथ अवे, जाओ और किताबों में जुट जाओ, जाओ और, तो हमने क्या बोला, गो एंड, किताबों में जुट जाओ, किताबों में जुट जाना, एकदम से पढ़ाई में जुट जाना, पढ़ने लग जाना, एक फ्रेज है जिसका हम यूज कर सकते हैं, गो एंड हिट द बुक्स, गो एंड हिट द बुक्स, जाओ पढ़ाई शुरू कर लो, गो एंड हिट द बुक्स, ये काफी यूजफुल फ्रेज है, बहुत बार यूज होता है। इंतजार किस चीज का कर रहे हो, वॉट आर यू वेटिंग, गो एंड हिट द बुक्स, हिट द बुक्स का मतलब होता है पढ़ाई में जुट जाना, पढ़ने लग जाना। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज का वेट कर रहे हो। मुझे कभी निशा पसंद नहीं थी, लेकिन अब मुझे वो पसंद आने लगी है। कभी पसंद नहीं थी, यानी पास्ट की कोई, मैं हैबिट की बात कर रहा हूँ कि पास्ट में तो मैं उसे पसंद नहीं किया करता था, पास्ट का इवेंट है ये, कि पास्ट में ये ऐसी सिचुएशन थी कि मैं उसे पसंद नहीं किया करता था। कभी नहीं, आई नेवर यूज टू, जब भी कहना हो मैं पास्ट में ऐसा किया करता था, वैसा किया करता था, हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। आई नेवर यूज टू,
पसंद लाइक निशा। आई नेवर यूज टू लाइक निशा, मुझे कभी निशा पसंद नहीं थी। आई नेवर यूज टू लाइक निशा बट नाउ अब मुझे वो पसंद आने लगी है। आई हैव टेकन अ लाइकिंग टू हर। आई नेवर यूज टू लाइक निशा बट नाउ आई हैव टेकन अ लाइकिंग टू हर। टेकन अ लाइकिंग टू समवन और समथिंग, यानी किसी चीज को या किसी इंसान को पसंद करने लग जाना, किसी इंसान को चाहने लग जाना, उसे पसंद करने लग जाना। आई हैव टेकन अ लाइकिंग टू हर। टेकन अ लाइकिंग टू समथिंग और समवन काफी यूजफुल फ्रेज है, आप इसका यूज कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशंस में जब भी आपको इसकी जरूरत महसूस हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप दैट यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू वांट टू कीप इंप्रूविंग योर इंग्लिश जस्ट लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेसन। विल टॉक इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।